नमस्ते, मेरा नाम संजय बारभाया, आई एम फ्रॉम चाणक्य क्लासेस, वडोदरा, गुजरात। नाउ आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड नाइन्थ का मैथ्स और चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका है पार्ट वन। ये एक्चुअली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है, सीबीएसई स्टूडेंट्स, जीएसईबी स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल बोर्ड स्टूडेंट्स, इट इज फॉर द इंग्लिश मीडियम। नाउ अभी समझते हैं मैथ्स। मैथ्स में, पूरे वर्ल्ड में मैथ्स के बहुत सारे प्रकार है, वो सब जो ब्रांचेस है मैथ्स के, कौन कौन से है, अरिथमेटिक है, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, और ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये सब मैथ्स के अलग अलग प्रकार है। अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर के जन्मदाता फादर कौन थे, तो ये चैप्टर के जो जन्मदाता फादर वो रेन डिकार्ट थे। रेन डिकार्ट वो कौन थे, तो फ्रेंच फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे और साइंटिस्ट थे, कि जिन्हें हमें ये चैप्टर हमें दिया है। रेन डिकार्ट वो एक एक्चुअली फ्रेंच थे, फ्रेंच फिलोसोफर मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे। अभी आगे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप, नाइन्थ के सिलेबस की बात करते हैं। अभी जो आपका जो सीबीएसई और जीएसईबी का जो सिलेबस है, नाइन्थ का सिलेबस कौन कौन सा पॉइंट है, तो नाइन्थ का आपका सिलेबस है इंट्रोडक्शन, कार्टेशियन सिस्टम, प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, और लास्ट में समरी, इट इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द बुक्स। ये जो पूरा चैप्टर है, ये एक्चुअली प्लेन को, ग्राफ में जो प्लेन है उसको समझने का चैप्टर है। ये जो चैप्टर में प्लेन, सबसे पहले ये प्लेन को समझते हैं। ये जो प्लेन है इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, और इसमें देखा जाए परपेंडिकुलर दो लाइन रहता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। जिस पॉइंट में ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है उसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। जिस पॉइंट में ये और ये लाइन इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, और इसका जो है, इसका पॉइंट 0 0 है। नाउ समझते हैं, इसके जो है चार पार्ट है, एक्चुअली चार पार्ट, पार्ट 1 2 3 और 4। यहां पर एक्स की बात करें, यदि एक्स प्लस रहता है तो ओरिजिन से राइट साइड आता है, यदि एक्स माइनस रहता है तो ओरिजिन से वो लेफ्ट साइड आता है। अभी वाई की बात करें, तो यदि वाई प्लस हो तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ आता है, और यदि वाई माइनस है तो ओरिजिन से नीचे आता है। यानी इसको जो फोर पार्ट्स में ये जो प्लेन जो लाइन डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 की बात करें, तो जब भी एक्स और वाई प्लस प्लस रहे तो ये Q1 में आता है, प्लस प्लस। क्वाड्रेंट 2 की बात करें, तो ये x माइनस और y प्लस हो तो सेकंड में आता है, x माइनस y प्लस। थर्ड की बात करें, तो x माइनस और y माइनस है तो Q3 में आता है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट 4 में x प्लस और y माइनस रहे तो प्लस माइनस, तो ये इसमें आता है। यानी एक्स प्लस वाई प्लस है तो Q1 में आता है, एक्स माइनस और वाई प्लस रहता है तो Q2 में आता है, एक्स माइनस वाई माइनस रहे तो Q3 में आता है, और एक्स प्लस रहे और वाई माइनस रहे तो Q4 में आता है। ये जो है हमारा चैप्टर का जो फंडा बेस यही है, कि यहां पर ये जो ग्राफ में पॉइंट को कैसे दर्शाया जाए।
नाउ अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट, इसकी थोड़ी थियरी समझते हैं, इसकी थोड़ी थियरी समझते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो चैप्टर के जो फादर हैं रेन डी कार्टे, उसके बारे में समझते हैं। रेन डी कार्टे ने हमें ये चैप्टर दिया, इनका जन्म 1596 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1650 में हुई थी। और जो रेन डी कार्टे है, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सर आइजेक न्यूटन एंड ब्लेस पास्कल एंड मेनी मोर। ये जो है रेन डी कार्टे, उनके काम में तो किनका इन्फ्लुएंस था, तो सर आइजेक न्यूटन से भी वो बहुत इन्फ्लुएंस थे, सर आइजेक न्यूटन से भी और ब्लेस पास्कल से भी। नेक्स्ट, रेन डी कार्टे इज ऑल्सो कंसिडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी। हमें ये जो चैप्टर जिसने दिया है, उनका नाम था रेन डी कार्टे, उन्हें पूरे वर्ल्ड में फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी कहते हैं। द फादर, ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी। नेक्स्ट, वाई ही इज सो फेमस, वो इतने फेमस क्यों थे, बिकॉज ही कनेक्टेड ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा। वो इतने फेमस इसलिए हुए कि ज्योमेट्री और एल्जेब्रा को उन्होंने क्या किया, मर्ज किया। नेक्स्ट, दिस चैप्टर इज वाइडली यूज। अभी ये जो चैप्टर कौन कौन से जगह उपयोगी है, तो ये जो पूरा चैप्टर है वो फिजिक्स में उपयोगी है, इसका उपयोग होता है फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, एविएशन में, रॉकेटरी में, स्पेस साइंस में, स्पेस फ्लाइट में, और जो त्रिकोणमिति रहता है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी ये देखा जाए बहुत यूजफुल है। यानी बहुत सारे ऐसे फील्ड है कि जहां पर ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट, अबाउट दिस चैप्टर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थियरी की बात करें तो ये जो है सब इंपॉर्टेंट थियरी है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब का क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर वो थोड़ा वर्ड थोड़ा चेंज करते हैं तो स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो वर्ड्स और ये पूरी जो टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल वर्ड्स ये चैप्टर के हमें आते होना चाहिए, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट थियरी है। फर्स्ट, द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इज लोकेटेड ऑन ए प्लेन बाय ड्रॉइंग टू लाइन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पर इस ग्राफ के संदर्भ में समझे तो एक्चुअली दो लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, एक्चुअली दो लाइन है, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल, और ये एक्स है और ये वाई है, ये दो इसको यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, दिस प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ये जो है ये प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड एप्सिसा। यहां पर दो पॉइंट रहते हैं एक्स और वाई, तो एक्स को यहां पर चैप्टर में उसका टेक्निकल वर्ड क्या है, एप्सिसा, और वाई इज कॉल्ड पॉइंट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स पॉइंट को एप्सिसा, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। नाउ नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, जो ओरिजिन है, यहां जो ओरिजिन है उसका ये क्या है पॉइंट, एक्स, ये एक्स और वाई 0 0 है। नेक्स्ट, द एप्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट, द एप्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। द एप्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। वैसे ही नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। यहां पर जो रहेगा वाई, कोई भी एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट रहता है उसका वाई का वैल्यू हमेशा 0 रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो सबसे पहले हम एक्स पढ़ते हैं उसके बाद में वाई, तो एक्स 0 वाई 1, एक्स 0 वाई 2, एक्स 0 वाई 3, एक्स 0 वाई 4। वैसे ही एक्स की बात करें तो एक्स 1 वाई 0, एक्स 2 वाई 0। नेक्स्ट, द एक्सेस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पेपर में दोनों एक्सिस कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं,
तो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है। ये चैप्टर में जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां पर इंटरसेक्ट होता है, ओरिजिन में इंटरसेक्ट होता है, और उसका एक्स और वाई क्या है, जीरो जीरो है। नाउ ये जो इंपॉर्टेंट थियरी थी, ये इंपॉर्टेंट थियरी हमने अभी डिस्कस की, इसका जो एग्जांपल है वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपके सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको प्लीज इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसका फायदा उठा सके। और लास्ट में आपने इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच, और लास्टली सबको प्रेमपूर्ण जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।